हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू पी सी प्लेटफॉर्म में स्वागत है और आज भी हम लोग यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जो अपने करंट अफेयर्स से कवर करने वाले हैं बहुत सारे आज हमारे सामने जो है वो ऐसे पहलू आने वाले हैं जो एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंट बना देंगे तो एम करेंगे होमवर्क जो लोगों ने नहीं करते होमवर्क करने की आदत डाल ले और साथ ही साथ जो है वो हम लोग एनालिसिस करेंगे मैप के जरिए कि कौन सी चीज कहाँ पर है और फिर उसके बाद से उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज चौबीस तारीख है और आज हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस बहुत ही दैविक पंक्तियों से बुद्धि का विकास करना मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कहीं से भी ज्ञान मिले उसको लपक लो छोड़ो मत ज्ञान जो है वो आपका कहीं ना कहीं काम आएगा किसी से भी एक छोटे से बच्चे से मिले या एक बहुत बड़े से बुजुर्ग से मिले उसको ले लेना चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा ठीक है तो बुद्धि का विकास करते रहिए और उस बुद्धि के विकास के लिए आज का सेशन फिर से लेकर के आए हैं जहां पर आज 24 मई के दिन हम लोग इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम लोगों ने यहां पर देखिए चौबीस मई है कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा डे नहीं है जिसको हमको करना चाहिए तो आज का हम लोग डे वाला जो पार्ट है उसको स्किप करेंगे है ना तो कल परसों जो हमने होमवर्क दिया था उसमें ट्रेडर सही जवाब था और कल हमने होमवर्क दिया था कि कर्नाटक में टाइगर्स की संख्या कितनी है तो 524 टाइगर्स की संख्या है जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया है आज सौदामनी बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रही है वो जरूर से जरूर क्वेश्चन को किया करे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यहां पर जो पानी है वो ट्रेडर्स होते हैं और कर्नाटका के जो हमारे टाइगर्स की संख्या होती है वो होती है पांच ठीक है कूना तो सभी लोगों ने ये जवाब दिया था और आगे चलते हैं और देखते हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमारे लिए है बड़ी इंपॉर्टेंट इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और फिर उसके बाद से हम लोग इसके ऊपर क्विजेस करेंगे और आपको वहीं पर डिटेल में बताएंगे जब आपको क्विज क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो चलिए पहले निपटाते हैं न्यूज कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले न्यूज आती है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर जी ये किस चीज को यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग है मतलब विधानसभा की जो बिल्डिंग है उसके 25 साल पूरे हो गए सिल्वर जुबली हो गई और यहां पर उसकी यहां पर समारोह को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो यहां पे जगदीप धनकर जी ने सिल्वर जुबली केरला लेजिस्लेटिव असेंबली की सेलिब्रेट की है यहां पर आप देख पा रहे होंगे चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन कौन सा आता है 2025 को नेपाल ने टूरिज्म ईयर घोषित कर दिया है नेपाल ने 2025 को टूरिज्म ईयर के तौर पर मनाने की घोषणा की है और यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाता है बात करेंगे आज नेपाल की भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तो दो नेपाल का टूरिज्म ईयर घोषित किया गया है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते यूपी पी का क्वेश्चन शायद सभी को याद हो गया पांचवें नंबर की हमारी सबमरीन पूछा था है ना और हमारे सागर परिक्रमा प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा गया था तो यहाँ पर है हमारे पेज नंबर फाइव का जो सागर परिक्रमा है इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत की है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इसकी की है ये कहाँ की यूनियन मिनिस्टर है तो ये हमारे मत्स्य पालन पशुपालन मिनिस्ट्री के हमारे प्रमुख हैं जिन्होंने सागर माला का जो पांचवा चरण है ये शुरू किया है अब ये कहां से 17 से 19 मई तक ये हमारा चला और ये कहां से तो रायगढ़ महाराष्ट्र से लेकर के काना कोना जो गोवा में आप देखेंगे वहां तक ये फेज शुरू हुआ तो फेज फाइव सागरमाला का रायगढ़ महाराष्ट्र से कोना कोना हमारे कहा गोवा तक चालू किया गया है किसने शुरू किया पुरुषोत्तम रूपाला जी ने बात करेंगे इस सागर परिक्रमा के पांचवे फेज की और डिटेल में आगे चलते हैं तो मैं बात कर रहा था कि हमारे यहां पर पांचवी जो है वो पंडुब्बी पूछी गई थी यहां पर छठवीं पंडुब्बी को भी यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है नाम है वगसीर वगसीर जो है ये नेवी ने ये देखिए पनडुब्बी है जानते होगे सबमरीन हमारे जल के अंदर चलती है प्रोजेक्ट 75 के तहत ये हमारी छठवीं पनडुब्बी को यहाँ पे कमीशन कर दिया गया है बात करेंगे इसके ऊपर भी पूरी डिटेल में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पुतिन ने यहाँ पर हमारे एक रॉकेट को लॉन्च किया है जो कि यूक्रेन में इस्तेमाल किया जाएगा एसएटीएफपी ये हमारे एक ऐसा रॉकेट है जो कि पूरी तरीके से यूक्रेन को विध्वंस कर सकता है तो यहां पर एस ए टी एफ पी ये रसिया ने लॉन्च किया है यूक्रेन वॉर में इसका इस्तेमाल करने के लिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आता है करुणा ऑपरेशन हमारे जो साइक्लोन म्यांमार को हिट किया उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया करुणा जिसमें हमारे देश का जो आईएनएस घड़ियाल है ये हमारा भेजा गया आईएनएस घड़ियाल हरियाल क्या है तो ये सिप का नाम है जिसको म्यांमार में राहत सामग्री डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया गया तो ऑपरेशन करुणा हम डिस्कस कर चुके हैं फिर से आपको आज बताएंगे अगला क्वेश्चन हमारे सामने है डीआरडीओ ने एक टैंक बनाया है जोरावर दोस्तों जोरावर जो है जो जानते हो कौन था बताते जोरावर कौन था आपको डिटेल में ये एक हमारे सेनापति थे गुलाब सिंह के जो कि कश्मीर के हमारे राजा थे जोरावर ने बहुत सारे युद्ध जो है कश्मीर के राजाओं को जिताए इसीलिए उनके नाम का जो है वो प्रचलन कश्मीर में बहुत ज्यादा है और जोरावर टैंक भी उन्हीं के नाम पर बनाया गया जो चाइना के बॉर्डर पर हमारे रखा जाएगा तो भैया ये जोरावर टैंक है जो डीआरडीओ ने यहां पर बनाया है और साल के अंत में इसका इस्तेमाल चाइना के बॉर्डर पर किया जाएगा है ना अगले क्वेश्चन की तरफ तो चलते हैं राइनोस के बीच में भयंकर युद्ध हुआ ओरैंग नेशनल पार्क में जिसमें एक राइनो की डेथ हो गई

में तहलका मचाने के बाद जो लंपी स्किन डिजीज है जो वायरस से होने वाली यह हमारे दुधारू पशुओं में बीमारी है अब वेस्ट बंगाल पहुंच चुकी है तो वेस्ट बंगाल में हमारे लंपी वायरस डिसीज के लेकर के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और यहां पर इमरजेंसी घोषित की गई है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सेकेंड मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है वो बंबई में शुरू हो रही है तो सेकेंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये हमारे 23 से 25 तारीख मुंबई में आपकी आयोजित की गई बहुत बढ़िया तरीके से अगला क्वेश्चन है चौथा नेशनल वाटर अवार्ड इसकी शुरुआत की जाएगी 17 जून 2023 को 17 जून 2023 को हमारे 41 जो वाटर को लेकर के जिन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किए हैं ऐसी 11 कैटेगरीज में हमारे अवार्ड दिए जाएंगे 17 जून को यह अवार्ड दिया जाएगा जल शक्ति मंत्रालय जी के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है जो ये हमारे पुरस्कार का वितरण करेंगे अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कबड्डी की गेम के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं शुरू तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हो रही है है ना और याद रखिएगा ये हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं बाबू बनारस दास यूनिवर्सिटी में जो है वो इनका इनोग्रेशन होगा मतलब लखनऊ जो है बाबू बनारस दास स्टेडियम वहां पर आपको देखने को मिलेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आज और डिटेल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हमारे यहां पर किसी भी पेड़ या हमारे नेचर की एज को याद करने के लिए एक नई टेक्निक की शुरुआत की गई और उस टेक्निक का नाम है कैल्सियम फोर्टी वन दोस्तों तो कैल्शियम फोर्टी वन एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग है जिससे हम किसी भी नेचुरल एलिमेंट का एज पता कर सकते हैं और ये अपने आप में हो जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट तो कैल्सियम फोर्टी वन क्या है तो ये एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग है जिससे किसी भी चीज की आयु का पता लगाया जा सकता है तो ये भी हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट तो चलिए ये था आज की क्लास का अंतिम हेडलाइन लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट आज के हमारे करंट अफेयर्स आप लोग देख रहे हो कि हर एक देश आजकल जो फोकस कर रहा है वो डिफेंस के ऊपर फोकस कर रहा है किसी ने अपनी सेल्फ डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाया है तो कोई टैंक बना रहा है कोई विध्वंसक रॉकेट बना रहा है तो कोई जो है वो सबमरीन बना रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन आज डिफेंस से हमारे क्लास में संबंधित है और आप देख रहे हो हर जगह पर तनातनी बनी हुई है कहीं चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध के संकेत आ रहे हैं तो कहीं हमारे पीओ से हमारे पीओके के साथ संबंध जो है वो पाकिस्तान में हमारे जो संबंध है वो खराब हो रहे हैं और पीओके पे हम अपना वापस से आधिपत्य चाहते हैं कहीं पर चाइना जो है वो इंडिया के साथ अरुणाचल प्रदेश में अपने संबंधों को लेकर के चर्चा में रहता है तो कहीं रसिया और यूक्रेन अपने विध्वंस युद्ध को और ज्यादा आग देते हैं तो ये जो डिफेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है और आज के करंट अफेयर्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, के हैं लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करना है वो अब हम इनके जरिए देखेंगे क्विज़स के जरिए देखेंगे और साथ ही साथ डिटेल में क्या क्या चीजें वहां से और हमको पढ़नी है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है इनमें से किसने केरल विधान भवन में जो सिल्वर जुबली है उसका उद्घाटन किया है तो केरला का जो विधान भवन है उसकी सिल्वर जुबली मनाई जा रही है अब आपको बताना क्या होना चाहिए जगदीप धनखड़ है रामनाथ कोविंद है नरेंद्र मोदी स्मृति बहुत बढ़िया तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारे देश के बोल सकते हैं कि उपराष्ट्रपति चौदवे नंबर के फोर्टीन नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जो हमारे यहां पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है आप सभी को जल्दी से बताना है ये कौन से देश से हमने अडॉप्ट की है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कौन से देश से अडॉप्ट किया है तो लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया कि सर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट आपने कई बार बताया हुआ है कि ये हमने लिया हुआ है ब्रिटेन से नहीं जर्मनी से नहीं अमेरिका से लिया हुआ है हमारे देश के चौदवे नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं लेकिन ये उपराष्ट्रपति बनने के पहले कौन से राज्य के गवर्नर के तौर पे काम कर रहे थे कौन से राज्य के गवर्नर थे जगदीप धनखड़ जी तो फिर से लोगों का जवाब आना शुरू हो चुका है कि सर हमारे जो जगदीप धनखड़ जी हैं अनुरुद्धा बोल रही है कि सर सही जवाब होना चाहिए ये हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे अच्छा चौथा क्वेश्चन आप सभी लोग ये बताइए कि हमारे यहां पर वो कौन से हैं सुदीप्ता आर्टिकल कौन सा है जो वेस्ट बेंगल हमारे यहां पर सॉरी हमारे यहां पर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात बताता है कि हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए कौन सा आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी देता है तो फिर से लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया कि सर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो जानकारी देता है वह है आर्टिकल नंबर 63 नंबर वाला जो आर्टिकल है ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में में बताता है सर अगर हमसे ये पूछा गया कि हमारे देश में जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो कितने सालों के लिए होती है टेन्योर क्या होता है तो भाई टेन्योर क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट का कितने साल तक ये उपराष्ट्रपति बने रहेंगे तो फिर से लोगों ने यहां पे जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर ये पांच साल तक भारत के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं तो ये आसान आसान क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे रिवाइज करा दिया अब हम लोग करंट अफेयर्स पे आते हैं हमारे केरल के विधानसभा के 25 साल हो गए बने हुए और इसको जगदीप धनकर जी ने यहाँ पर इनोग्रेट किया है हमारे देश के उपराष्ट्रपति है याद रखियेगा पच्चीस साल हो चुके हैं असेंबली के बने हुए और हम लोग सिल्वर जुबली पच्चीस साल में मनाते हैं ये इवेंट जो है कहां पर हुआ तो आर शंकर नारायण थम्पी जो हमारे लॉन्च है जो कि कहां पर आपको असेंबली में दिखाई देगा वहीं पर आप इस इवेंट को देख पाएंगे जो कि हमने आपको फोटो में भी दिखाया था अब यहाँ केरला की बात करते हैं तो केरल हमारे इंडिया में सबसे साउथ ईस्ट मोस्ट के तौर पर देखा जाता है यह बिल्कुल अरब सागर के किनारे लगा हुआ है अगर हम यहाँ पर देखेंगे कैपिटल यहाँ की क्या है तो यहाँ की जो कैपिटल है आप सभी लोग जानते हो गए तिरुनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है और ये हमारे मैसूर से अलग होकर के उन्नीस में एक नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है इसके डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है चौदह यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद यहाँ के जो सीएम साहब है वो है पिनियारे विजयन जो की सीपीआई मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी उससे संबंधित है यहाँ पे हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली जिसके 25 साल बने हो गए उसमें 140 सीटें हैं लोकसभा में नौ सीटें हैं राज्यसभा में सॉरी राज्यसभा में नौ सीटें हैं लोकसभा में 20 सीटें हैं अगर हम यहां पर देखेंगे एरिया के दृष्टिकोण से राज्य इक्कीसवें और पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से ये तेरहवे नंबर का राज्य है, राज है ये पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यहाँ की सबसे ज्यादा है यहां पे अगर देखेंगे तो 96 परसेंट लिटरेसी रेट अगर 2018 की जनगणना के अनुसार 2018 के डेटा के अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो 96 परसेंट लोग जो है यहाँ के साक्षर हो चुके हैं यह डेटा बता रहा है यह दो तो के डेटा के अनुसार है तो दोस्तों यह सारी चीजें हमको याद रखना है यहाँ के अगर हम लोग सिंबल की बात करते हैं तो बर्ड यहाँ का ग्रेट हॉर्नबिल है यहां के अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो गोल्डन सावर ट्री यहां का हमारा क्या है फ्लावर है फ्रूट की बात करेंगे तो जैक फ्रूट यहां का हमारा क्या है फ्रूट है मेमल की बात करेंगे तो यहां का इंडियन एलिफेंट यहाँ का राष्ट्रीय राजकीय पशु है बहुत इंपॉर्टेंट आता है

तो यहाँ पर सभी लोग बोले हैं कि सर सही जवाब होना चाहिए अनुरुद्धा बोले हैं चिराग विकास है ना कुसाग सभी लोग बोले हैं मनोज कि सर 2025 जो है ये हमारे दो हजार पच्चीस जो है ये हमारे क्या किस रूप में जाता है स्पेशल टूरिज्म ईयर के तौर पे जाना जाता है दो हजार पच्चीस इज राइट आंसर ये नेपाल ने घोषणा की है कि हमारे यहाँ का जो स्पेशल टूरिज्म ईयर है दो घोषित किया जाएगा नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल ने ये घोषणा की है कि हमारे यहाँ का जो 2025 है उसमें हम लोग क्या मनाएंगे विजिट नेपाल डिकेट के रूप में घोषित करेंगे विजिट नेपाल डिकेट के रूप में घोषित करेंगे नेपाल हमारा जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है और यहां पे जो चलता है, उसको विक्रम बोलते हैं. तो विक्रम संवत पच्चीस जो है वो हमारे दो के रूप में देखा जाएगा तो ग्रेगियन कैलेंडर में जो दो है वो विक्रम संवत के अनुसार दो होगा और उन्होंने यही बोला कि विक्रम संवत दो जो है वो विजिट नेपाल टिकट घोषित किया जाएगा हम लोग इसको स्पेशल इस टूरिज्म करते हैं नेपाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा जो नेपाल है वो कुछ इस तरीके से मैप में दिखाई देगा एक तरफ चाइना है दूसरी तरफ इंडिया है और ये जो हमारा है अपने बोल सकते हैं कि हिमालयन हिमालयन ज्योग्राफिकल के लिए बड़ा फेमस है यहाँ पे अन्नपूर्णा से लेकर माउंट एवरेस्ट तक हमारे बहुत सारे पर्वत देखने को मिलते हैं यहाँ पे कई सारी नदियां भी निकलती हैं जैसे कि अगर आप देखेंगे राप्ती नदी यहाँ पे हो गया उसके बाद से हमारे गडकी नदी हो गया बागमती रिवर हो गया है ना कोसी रिवर हो गया तो बहुत सारी रिवर भी यहाँ से निकल करके इंडिया की तरफ भी आती है तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों एक नेशनल पार्क भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग चितवन नेशनल पार्क बोलते हैं यही चितवन नेशनल पार्क जो है बिहार में जाकर के बाल्मीकि नेशनल पार्क बन जाता है यहाँ की कैपिटल हम सभी को पता है काठमांडू यहाँ की कैपिटल है यहाँ की कैपिटल क्या है

तो बुद्धा फ्लाइट करके हमारा जो एयरलाइन था वो क्रैश कर गया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है चलते है चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन की चलते हैं आपके सामने हाल में ही सागर परिक्रमा का जो पांचवा चरण है, ये हमारे किस मंत्री के द्वारा या किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है है ना सागर परिक्रमा फेज फाइव की जो घोषणा की गई है वो किसने की है फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंडरी साइंस है अर्थ है या पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज है क्या होना चाहिए तो फिर से लोगों ने यहाँ पे टिक करना शुरू कर दिया है। तो सभी लोगों ने यहाँ पे जवाब देना शुरू कर दिया कि सर सही जवाब होना चाहिए हमारे यहाँ पर जो सागर परिक्रमा है वो बेसिकली हमारे जो मत्स्य पालन वाले लोग हैं मतलब जो मछली को मछली जिनका पेशा है जिनको मछुआरे भी बोला जाता है उनको बेसिकली जागरूक करने के लिए उनकी समस्याओं को सुलटाने के लिए ये हमारे शुरुआत किया गया यह हमारे किया गया मतलब रूपाला है, तो है जिन्होंने यहाँ पे सागर परिक्रमा फेज फाइव की शुरुआत की है प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड ये हमारे जो मछुआरे हैं उन तक पहुंचाने के लिए जिससे कि उनका इंडस्ट्री और ज्यादा इंप्रूव हो जाए ये हमारे शुरू किया गया पांचवा चरण अब ये पांचवा चरण कहां से शुरू किया गया तो ये महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जी हाँ, ये वही रायगढ़ है जो हमारे शिवाजी की कैपिटल थी तो शिवाजी की कैपिटल रायगढ़ से होते हुए ये गोवा तक जाएगा और ये हमारे छह अलग अलग जगहों पर यह छे अलग अलग जो हमारे लोकेशन है उसको कवर करेगा इसका मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है जो मछुआरे हैं है ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुख्य धारा से कनेक्टेड नहीं होते हैं है ना हमारे पास जो सप्तऋषि हाँ, हमारे बजट का जो है उसमें सबसे द लास्ट माइल अंतिम बिंदु तक पहुंचना जिनको पता ही नहीं क्या चल रहा है देश में तो उन तक पहुंचना उनको ये मत्स्य संपदा स्कीम देना उनको किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम देना उनको और स्कीम्स देने के लिए यह सागर परिक्रमा फेज फाइव की शुरुआत की गई है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई थी और अब ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से गोवा तक जाएगी महत्वपूर्ण हो जाता है आपको बता दें कि सागर परिक्रमा मार्च 2022 में हुई थी, की शुरुआत मार्च ही गया होगा तो चलिए आगे चलते एक हमारे सामने एक और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर विकसित किया जा रहा है रावी नदी ब्रह्मपुत्र है गंगा या चिनाब नदी है कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर हमारा डेवलप किया जा रहा है तो बहुत सारे लोगों ने फिर से पिक करना शुरू कर दिया है कि सर कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है ये नदी के ऊपर डेवलप किया जा रहा है है ना तो ये हमारे आ, बिल्कुल चेनाब नदी के ऊपर डेवलप किया जा रहा है याद रखिएगा ये सीबीआई इसके ऊपर कुछ इंक्वायरी कर रही है इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं अब देखिए यहां पे चेनाब नदी आई है मैंने स्टैटिक पढ़ाने के लिए बोला था स्टैटिक पढ़ाऊंगा तो चेनाब नदी जो है ये कहां से निकलती है तो याद रखिएगा चेनाब नदी निकलती है बारालाचा पास से बारालाचा पास कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जहां से ये चेनार नदी का उद्गम होता है और उसके बाद से ये हमारे जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ जाती है हमारे पाकिस्तान में जाती है इसी के पास से एक और नदी निकलती है जिसको हम लोग यहाँ पर व्यास नदी बोलते हैं ये हमारे निकलती है रोहतांग पास से रोहतांग पास से हमारी कौन सी नदी निकलती है ये हमारे बोल सकते हैं कि व्यास नदी निकलती है उसके से सतलज नदी जो है ये भारत के बाहर से मतलब आप देखेंगे तो तिब्बत से भारत में आ रही है ये जो यहाँ से जो निकल ये जहां से निकलती है उसका नाम है राकस ताल राकस ताल मतलब राकस झील से ये हमारी नदी का उद्गम होता है और ये इंडिया में प्रवेश करती है इस पास का नाम है सिपकीला पास क्या पास का नाम है सिपकीला पास जो है यहां पर आप देख पाएंगे ये उसके रास्ते से इंडिया में प्रवेश करती है ठीक है अगर हम यहां पे झीलम नदी की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर से निकलती है विरनाल डिस्ट्रिक्ट में शेषनाग की पहाड़ियां हैं, शेषनाग की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है और फिर उसके बाद से यह बहना शुरू होती है हमारे एग्जाम में अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था जल्दी से सभी लोगों को जवाब देना है 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 नीतिला नीतिला पास पास कौन से पास कौन से से स्टेट स्टेट में 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 हमारे 2023 के एग्जाम पूछा गया प्रश्न जल्दी सभी का जवाब आना चाहिए ठीक है तो मैंने आपको यहाँ पे पासिस बता दिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जैसे कि बरालाचा पास है ना चुनाव आता है तो बहुत लालच दिया जाता है तो चेनाब चिनाव को चेनाब से रिप्लेस कर सकते हैं बारालाचा पास है ना व्यास नदी व्यास को प्यास से कर सकते हैं प्यास लगी बच्चे को तो रोते रोते तंग हो गया तो रोहतांगे झील है। है? तो तो से निकलती है, नदी। है ना? उसके बाद हमारा जो सज सतल नदी जो जहाँ पे सज्जन लोग होते हैं वहां पे राक्षस लोग भी होते हैं तो सतलज नदी जो है वो राकस्ताल तिब्बत से निकलती है भारत के बाहर से आ रही है और फिर उसके बाद सिपकीला पास हिमाचल प्रदेश से ये इंडिया में

तो ये हमारा जो स्प्रिजर टेलीस्कोप है ये एक बहुत आधुनिक टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया है और इससे इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं इसको अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है स्पेस वेरेक्स

ये अभी सॉरी वक्सीर जो है अभी न्यूज में दिखाई दे रहा है ये है क्या चीज ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ये कलवरी क्लास की पंडुबी है ये सिल्फ डिस्ट्रॉयर है या इनमें से कुछ नहीं कुछ और ही लग रहा है यहां पे आपको बताना कि वक्सीर जो है वो आपका है क्या चीज तो अगर हम लोग यहाँ पे वक्सीर की बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से तो याद रखिएगा हमारे एग्जाम में फिर से यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी दो में हमारे कबलरी क्लास की जो पंडुबी है वो पांचवी कौन सी है ठीक है ना तो वो थी वजीर और ये है वक्सीर तो वक्सीर छठवीं है जो कि हमारे क्लेवरी कास्ट क्लास की जो है वो पंडुबी है जिसको अभी कमीशन कर दिया गया है तो देखिए यहां पर हमारे सबसे पहले कड़वरी आ जाती है खंडेरी आ जाती है हमारा करंज आ जाती है वेला वगीर. वगीर के ऊपर जनवरी में क्वेश्चन आई थी तो क्वेश्चन बन चुका है अब आ आई एन एस वगीर जो कि आपको कुछ यहां पर इस तरीके से दिखाई देगी ये भारत के द्वारा प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव हमारा बनाया जा रहा था जिसमें छह पंडुब्बियों को बनाना था तो छह पंडुबियां ये प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के तहत भारत ने बनाई जिसमें से आपके सामने कलवरी खंडेरी खरंज वेला वगीर और वक्सीर है तो अंतिम नंबर वाली वक्सीर है जो यहाँ पर आपको बना दी गई है अगर आप देखेंगे इसकी स्पीड जो है वो 11 नॉट है और 20 नॉट तक ये पानी के अंदर चलती है सरफेस पे 11 और 20 नॉट जो है वो पानी के अंदर चलेगी ये हमारी एंटी वॉरशिप है और एंटी सबमरीन ऑपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से टैकल करेगी इसकी जो टोटल हाइट है आप देखेंगे 40 फीट है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 230 फीट है मतलब 230 फीट ये लंबी है और बहुत बेहतरीन तरीके से भारत के द्वारा बनाई गई है तो ये छठवीं हमारी क्लेवरी क्लास की प्रोजेक्ट 75 में बनाई गई हमारी पंडुब्बी है नाम याद रखना काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं वगसीर वगसी नाम है और हो जाती है काफी महत्वपूर्ण ठीक है तो हमने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया है इसको बनाया किसने है? तो ये हमारे मजगांव डॉग जो कि मुंबई में आपको देखने को मिलेगा मजगांव लिमिटेड पर है मुंबई में आपको देखने को मिलेगा और इसको मदद किसने की है तो फ्रेंच नेवल डिफेंस ने मदद की है लेकिन ये बना कहां पे तो आमची मुंबई में बिल्कुल खाटी शुद्ध देसी है याद रखिएगा हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट चलिए चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाल में खबरों में रहा एस कौन सा सबसे अच्छा वर्णन है यह है क्या चीज भाई व्लिमीर पुतिन की फोटो के साथ ये हमने देखा था यह है क्या चीज ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है मेन टैंक है एयर टू सरफेस रॉकेट है या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है क्या होना चाहिए तो फिर से लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया कि सर यह सही जवाब होना चाहिए मुझे भी लग रहा था कई सारे लोगों को पता है कि सर सही जवाब होना चाहिए हमारे यहां पर यह जो हमारा एस ए टी एफ पी है ये एक हमारा हवा से सतह पर मार करने वाला रॉकेट है जिनको हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट में फिट करके यूक्रेन में विध्वंस मचाने का रसिया सोच रहा है तो एम एम अनगाइडेड रॉकेट है जिसको हम रशियन फेडरेशन के पास देखेंगे और ये हमारे एयरक्राफ्ट से लेकर के हमारे हेलीकॉप्टर तक फिट किया जाएगा और एयर से सरफेस में जाकर के विध्वंस मचाएगा इसका वजन सत्रह किलोग्राम है और ये हमारे वॉरहेड के में साढ़े नौ किलोग्राम का जो है वो इसमें क्या बारूद भरा गया है तो काफी महत्वपूर्ण यह है विध्वंस मचाने वाला है याद रखिएगा अब ये ने इसको डिजाइन दी है, है? अफगानिस्तान श्रीलंका या म्यांमार किस देश को सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया तो ऑपरेशन करुणा अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसा आपको बताया कि म्यांमार में जो तूफान आया था मोचा मोचा तूफान के को हमारे काफी ज्यादा लोग उसमें प्रभावित हुए लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं रहा तो म्यांमार को सपोर्ट करने के लिए वहां के लोगों को भूखे ना मरे इंडिया ने ऑपरेशन चलाया कौन सा ऑपरेशन करुणा इस ऑपरेशन में यह देख रहे हो हमारे यहां पे जो आई एन एस घड़ियाल है आई घडियाल इस जहाज का प्रयोग किया गया इसका नाम है घडियाल है ना घड़ियाल एक जानवर भी होता है पानी के अंदर है ना तो आई घडियाल जो है ये हमारे बहुत सारे मेडिसिन से लेकर के खाने की सामग्री तक लेकर के जाएगा युद्ध में मारने से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है ये अलग अलग धर्मों में लिखा हुआ है लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी एक से एक पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पीपल्स लोग जो है वो इसको भूल जाते हैं वो सिर्फ अपने छवि को अपने आप को चमकाने के लिए लोगों को विध्वंस के तरफ ढकेल देते हैं लेकिन याद रखना करुणा का जो भाव है वो हमेशा विध्वंस के भाव से बड़ा होता है तो लोगों को बचाने में विश्वास रखना चाहिए ना कि मारने में तो इसकी हम हमेशा तराना करते भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो भारत का सिपे सलार कोई भी हो हमेशा भारत की यही स्ट्रेटजी रहती है कि युद्ध को अवॉइड करो और लोगों को बचाओ है ना तो याद रखिए तोयनेस घड़ियाल इसी ऑपरेशन करुणा का मिशन है जो म्यांमार में मोचा हमारे जो तूफान है उसमें जो लोगों को कमियां हुई लोगों को खाने की दिक्कत हुई वो सभी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है अब हम लोग यहाँ पे घड़ियाल की बात कर लेते तो घड़ियाल जो है ये कब हमारा हुआ था तो ये सत्तानवे में कमीशन हुआ था और ये हमारे इंडियन नेवी में अलग अलग जगहों पर इसने काम किया है ठीक है तो पहले जो हमारा जो घड़ियाल जो था ये नया वाला है पहले भी हमारा आई घड़ियाल इंडिया के पास था जो कि 1787 में इसको डी कर दिया गया था है ना उसके बाद से ये 1976 में आया था पुराना वाला ये जो कि पुराना वाला है और ये नया वाला है तो ये 1966 में आया था कई सालों तक इसने अपनी सेवाएं नेवी को दी और 1987 में इसको डीकमीशन कर दिया गया फिर से क्या किया गया इसी नाम का हमारा वापस से इंडियन नेवी ने एक सिप लिया जिसका नाम घड़ियाली रखा गया और ये कब बनाया गया ये कमीशन हुआ 14 फरवरी 1997 में उन्नीस में ये वापस से आ गया और अपनी सेवाएं तब से लगातार दे रहा है चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ म्यांमार की तरफ जाते हैं तो म्यांमार कहां पे है तो म्यांमार जो है वो आपको देखोगे ये कुछ इस तरीके से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के हिस्से से लगा हुआ है ये म्यांमार कैपिटल इसकी नाइपे डाउ है कई लोग नाइपे टाव भी बोलते हैं तो नाइपे डाउ इसकी कैपिटल है हमारे क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा अंडमान निकोबार है उसके सबसे पास का मेन लैंड कौन सा है तो इंडिया उसके पास का सबसे नहीं है इंडिया का हिस्सा जरूर है लेकिन उसके सबसे पास का मेन लैंड जो देश है वो म्यांमार है याद रखिएगा म्यांमार यहां का सबसे पास का देश है तो म्यांमार जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल नाइपीडियो है और यहाँ पे हम जो करेंसी की बात करेंगे तो यहाँ की करेंसी है क्या क्या इज अ करेंसी ऑफ म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है

हमारे सखरदू में जीते तो कई सारे युद्ध जीते और अपनी सेवाएं इन्होंने अपने कश्मीर के राजा को दी तो इनके नाम को याद करने के लिए हमने भी डीआरडीओ ने भी एक टैंक बना दिया जिसका नाम रखा है जोरावर अगर हम यहां पे डीआरडीओ की बात करते हैं तो डीआरडीओ की स्थापना कौन कौन कब हुई थी कौन से ईयर में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी कई बार एग्जाम में पूछा गया जरा तो जल्दी से आप लोग बताइए है। तो पर एक जनवरी है और जिनको इनके का नाम नहीं याद है वो हमारे डीआरडीओ के प्रमुख है ठीक है तो ये डीआरडीओ के ऊपर जानकारी है याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में डीआरडीओ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है ठीक है चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते जोरावट टैंक के बाद अब हमारे सामने आता है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में एक स्टैटिक का क्वेश्चन है जल्दी से बताना है कहां पर पड़ेगा भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्टर्न घाट है घाट है विंध्या रेंज है या अरावली कहां पर आप देख पाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने फिर से पिक कर लिया कि सर सही जवाब होना चाहिए हाँ ठीक है तो यहां पे जो सही जवाब है वो कौन सा है वो है हमारा वेस्टर्न घाट में ये जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कर्नाटक में आप ये देख पाएंगे तो यहाँ पे कहाँ पे वेस्टर्न घाट तो हमारे इंडिया में यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरीके से ये इंडिया का पेनिसुलर हिस्सा है मतलब प्रायद्दीपी हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा होता है जो हमारे यहाँ पे हमारे जो सहद्री माउंटेन है इसको वेस्टर्न घाट घाट बोलते हैं और ये ईस्टर्न आप पर पर देख पाएंगे तो यहीं पर आपको कर्नाटक में क्या दिखने को मिलेगा हमारा भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन फिर से मैं पूछूंगा तो यहाँ पे सही जवाब तो वेस्टर्न घाट है कर्नाटक में वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पॉइंट विच इज द दाइस्ट पॉइंट ऑफ हमारे वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है कौन सबसे पहले जवाब दे रहा देखते हैं जरा हाँ सोनी डेली होती है डेली सात बजे प्लीज अपना अलार्म ऑन कर लीजिए अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस एग्जाम्स की या आप अपने एसएससी रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये भी क्लास बहुत बेनिफिशियल है तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा जो हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे ऊंचा पॉइंट जो कि हमारे कहाँ पर ये आपको दिख रहा है वेस्टर्न घाट में इसका नाम है अन्ना मलाई या अन्ना मुड़ाई तो अन्ना मलाई या अन्ना मुड़ाई जो भी आप यहाँ पे टिक करेंगे ये सबसे ऊंचा पॉइंट है और ये आपको केरला में दिखाई देगा केरल में ये आपको दिखाई देगा दोस्तों एक और सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है जैव विविधता सबसे ज्यादा जानवर अश्वनी सबसे ज्यादा जो जानवर है सबसे ज्यादा जो पेड़ पौधों की प्रजाति है वो भी आपको कहां पर वो भी आपको वेस्टर्न घाट में ही दिखाई देगी है ना वो भी आपको वेस्टर्न घाट में ही दिखाई देगी ठीक है विकास है थोड़ा सर के साथ चलो ओरैंग नेशनल पार्क जो है ये आपको कहां पर दिखाई देगा ये चर्चा का केंद्र क्यों है ये इसलिए चर्चा का केंद्र है क्योंकि हमारे जो ओरैंग नेशनल पार्क है वहां पर अचानक से दो राइनोस के बीच में लड़ाई हुई और एक राइनो की डेथ हो गई तो हमारे पूरे वर्ल्ड के दो तिहाई राइनोस मतलब एक सिंह वाले जो गेंडे हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं और वो कांजीरंगा नेशनल पार्क राजीव गांधी ओरैंग नेशनल पार्क है ना इन सब में आपको देखने को मिलेंगे तो आसाम में ये आपको देखने को मिलेगा चर्चा का केंद्र इसलिए क्योंकि ये जो हमारा बोल सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे बसा हुआ नेशनल पार्क यहाँ पे राइनोस जो है वहां पे एक डेथ कर गया है 1985 में इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापना की गई थी और निन्यानवे में जो है ये नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था ये हमारे देश का टाइगर रिजर्व भी है उनचासवें नंबर का टाइगर रिजर्व है जिसको 2016 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था ठीक है इसको हम लोग मिनी काजी नेशनल पार्क भी बोलते हैं मिनी कांजी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे राइनोस के अलावा कई सारे एलिफेंट हॉग है ना बुफेलोस कई सारे टाइगर्स तो है यहाँ पे टाइगर पार्क है ना ये भी आपको देखने मिलेगा रॉक पाइथंस के अलावा करैत कोबरा ये भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो ये हमारा कौन सा ओरैंग नेशनल पार्क है जल्दी से मुझे बताओ हु इज द सीएम ऑफ आसाम के सीएम साहब कौन है जल्दी से जवाब आना चाहिए किसी का गलत नहीं होना चाहिए ए, हमारे सामने जो मनोज मनोजिता रॉकी राजदीप राज सभी लोग बोल रहे हैं सर सर हमारे जो आसाम के सीएम हैं हैं सभी लोग बोल रहे कि सर, उनका नाम है, है? हेमंत शर्मा बिस्वा तो हेमंत शर्मा बिस्वा जो है वो आसाम के सीएम है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं अब यहाँ पे जल्दी से बताना आसाम के गवर्नर कौन है अभी रिसेंट में जो बारह गवर्नर चेंज हुए हैं उनमें से आसाम के भी एक गवर्नर थे है ना जगदीश मुखी जी यहाँ पे अब नहीं है अब यहाँ के नए गवर्नर कौन है ए? तो आप लोगों को हिंट दे देता हूँ जब कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो एक फ्लावर देता है उस फ्लावर के नाम पे इनका नाम है जरा आप बताओ क्या होना चाहिए सर लड़का लड़की को प्रपोज करता है हम तो यार कभी किए नहीं है हमको कैसे पता होगा सब पता है तुम लोगों को है पता है ना राजदीप की नहीं गुलाब चंद्र कटारिया है ना देखो केपी ने बता दिया सर गुलाब सी कटारिया होना चाहिए सहमत हो सभी लोग हाँ ठीक है गुलाब चंद्र कटारिया तुम लोग भूलोगे नहीं तो ये है आसाम यहाँ पे याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है आई आर आई एस टी सरफेस लॉन्च मिसाइल सिस्टम इनमें से किस देश से संबंधित है अब तुम बोलोगे सर आज पूरा डिफेंस ही पढ़ा डालोगे क्या आज की क्लास का नाम डिफेंस रख दिया जाए क्या करें कल के जो करंट अफेयर्स हैं वो पूरे डिफेंस पर केंद्रित थे और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो दोस्तों ये की सेल्फ डिफेंस सिस्टम है जितना इंपॉर्टेंट अटैक करना होता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा डिफेंस करना अगर आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है क्योंकि आज सभी जो छोटे छोटे देश है पाकिस्तान खाने को पैसा नहीं लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल लेके घूम रहा है तो आपको डिफेंस मजबूत करना बहुत जरूरी है तो जर्मनी ने यहां पर दो देश लाताविया और स्टोनिया को यह डिफेंस सिस्टम दिया जिसका नाम है हमारे आई आर आई एस टी लॉन्च मिसाइल जो कि किसी भी हमारे न्यूक्लियर न्यूक्लियर मिसाइल को हवा में ही मार के खत्म कर देगी ये जर्मनी के द्वारा बनाई गई मिसाइल है जो कौन से दो देशों को दिया गया है अभी हम लोग बात करेंगे तो ये एक मीडियम रेंज वर्जन मिसाइल है जो कि डिफेंस मिसाइल सिस्टम का हिस्सा है नाम है हमारा आई आर आई एस टी लॉन्च मिसाइल ये जर्मन कंपनी डेहल डिफेंस ने इसको बनाया हुआ है ये हमारे मैंने आपको बताया कि लातिविया और इस्टोनिया ये दो देशों को यह क्या कर रहा है सेल कर रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है चलिए आगे चलते लंपी वायरस डिजीज जो कि अब राजस्थान यूपी में बहुत सारे पशुओं को प्रभावित करने के बाद अब वेस्ट बंगाल में इसकी जो है वो छवि दिखाई देने लग गई है आपको बताना है कि किससे संबंधित बीमारी है यह आपके सामने है जीवाणु वायरस फंगस या इनमें से कोई नहीं जो तो लंपी स्किन डिजीज है ये हमारी इनमें से किससे होने वाली बीमारी है तो बहुत सारे लोगों ने फिर से पिक करना शुरू कर दिया है किसा सही जवाब होना चाहिए और आपसे बिल्कुल मैं पूरी तरह से सहमत हूं ये हमारी एक वायरस से होने वाली डिजीज है वायरस से ये होने वाली डिजीज है जिसमें जो हमारे स्मॉल पॉक्स मंकी पॉक्स जैसे हमारे जो होते हैं ना जिससे आप चिकन पॉक्स होता है चेचक होता है शरीर में जो गांठ पड़ती है वैसे जानवरों जो दुधारू जानवर होते हैं उनके भी शरीर में ये गांठदार बीमारी पड़ती है और फिर उसके बाद से वो बहुत बहुत रेयर हमारे सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं यहां तक कि उनकी डेथ भी हो जाती है लेकिन ये हमारे जो वायरस है ये ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं होता है मतलब इंसानों में ये वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है याद रखिएगा ठीक है मेनली इसका जो रीजन क्या है किसके जरिए ये ट्रांसमिट होते हैं जानवरों में तो जो उनको मच्छर या मक्खियां काटते हैं है ना कई सारे जो कीड़े मकोड़े उनको काटते हैं वो इस वायरस को उनके बॉडी में डाल देते हैं है ना एक जो हमारा बीमार जानवर था उससे यह दूसरे बीमार जानवर में चला जाता है इसका कोई हमारे एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी तक नहीं बना है लेकिन वैक्सीन बनना शुरू हो चुकी है और यह बीमारी बहुत सारे जानवरों को तबाही मचा चुकी है ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो इस वायरस जानवरों की वायरस डिजीज के बाद अगला क्वेश्चन है एक मीटिंग से सेकंड मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो ये कहां पे होने वाली है दिल्ली मुंबई कोलकाता या चेन्नई में तो फिर से लोगों का जवाब आना शुरू हो चुका है दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई जैसे आपने देखा लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया कि सर इसका जो सही जवाब है हमारे जी ट्वेंटी की डिजास्टर जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं है ना भूकंप सुनामी बाढ़ इन सब से किस तरीके से निपटा जाए इसको लेकर के मीटिंग हो रही है मुंबई में मुंबई में आप ये मीटिंग देख पाएंगे सेकंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मीटिंग 23 से 25 मई के बीच में मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स में आपकी होने वाली है अगर मैं यहाँ पे आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपको बताना है कि जो एशियन सबमिट इस बार का है 2023 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एशियन सबमिट 2023 की कहां पर होगी जल्दी सभी को जवाब आना चाहिए दोस्तों एशियन जो कंट्रीज है ये ग्यारह कंट्रीज हो गए पहले दस थे अब इस तिमूर को अगर एड कर दिया जाए तो टोटल संख्या ग्यारह हो चुकी है इसका जो हेडक्वार्टर है वो जाकर्ता में आपको देखने मिलेगा तो जाकर्ता में इसका हेडक्वार्टर है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी है ना याद रखिएगा नया कंट्री कौन सा जुड़ा हुआ है ईस्ट तिमूर पहले दस थे और इस साल हमारे ईस्ट तिमूर को जोड़ दिया गया है अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एशियन सम्मिट जो दो है वो हो रही है हमारे इंडोनेशिया की कैपिटल जाकर्ता में इंडोनेशिया कैपिटल कहा जाकर्ता में जहां पर ये मीटिंग हो रही है चलिए दूसरा जल्दी से सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे हाँ। <coughs> दूसरी हमारी बैठक जो है वो है हमारे तीसरी हमारे टूरिज्म की वर्किंग ग्रुप कैपिटल वर्किंग जो मीटिंग है वर्किंग जो हमारे ग्रुप्स की मीटिंग है किसको टूरिज्म को लेकर के टूरिज्म को लेकर के जी ट्वेंटी की जो बैठक है ये तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इस बार जी ट्वेंटी के साथ साथ एस की भी मेजबानी भारत कर रहा है तो एस की जो अभी हमारे फॉरन मिनिस्टर की बैठक हुई है फॉरन मतलब विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है ये कौन से भारत के राज्य में हुई है कहां पर ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बैठक हम देख पाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से फिर से लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर ये मीटिंग अगर आप हमसे पूछेंगे तो इसका जवाब भी हमारे पास में है जैसे कि हमारे थर्ड वर्किंग ग्रुप की जो टूरिज्म जी बैठक है ये श्रीनगर में हुई है ना बिल्कुल श्रीनगर में श्रीनगर <coughs> में आप यहां पर देख पाएंगे जिसपे चाइना ने आने से मना कर दिया है। CEO की जो फॉरेन मिनिस्टर की जो बैठक है ये हमारे पर हुई, हुई गोवा में।, में, तो में, में भारत कब बना था याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर कहां पर हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे है ना चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है अगला क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से कौन सा मंत्रालय जून में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार देने वाला है है ना कैटेगरीज में हमारे प्राइजेस दिए जाएंगे 17 जून को कौन से डिपार्टमेंट ने यह घोषणा की है कि ये जल पुरस्कार देने वाले हैं फटाफट फड़ जवाब आना चाहिए तो फिर से लोगों ने यहाँ पे जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर जिस हिसाब से इन ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान से संबंधित है उनका मंत्रालय का नाम है जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह घोषणा की गई कि हमारे 17 जून सन 2023 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हमारे कितने इकतालीस जो है वो जल शक्ति अवार्ड दिए जाएंगे जो कि 17 सॉरी 11 अलग अलग कैटेगरीज में 11 अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाएंगे और ये कब 17 जून को दिया जाएगा दोस्तों तो जल्दी से आपको बताना है कि वाटर डे हमारा कब सेलिब्रेट होता है वाटर डे जो है ये हमारा कौन से दिन सेलिब्रेट होता है चलिए आप लोगों को हिंट दे देता हूं मार्च में ये वाटर डे सेलिब्रेट होता है वाटर डे हमारा कौन सा से दिन सेलिब्रेट होता है तो फिर से लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर वाटर डे आपने बताया था होता है हमारे है? मार्च मैंने बता दिया है तो यहां पर बिल्कुल चलिए वाटर डे आपने बता दिया तो जल्दी से थीम भी मुझे बता दीजिए व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर वाटर डे इस बार के वाटर डे का थीम क्या है ठीक है तो बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने जवाब भी देना शुरू कर दिया है कि सर 22 मार्च को वाटर डे होता है जिन लोगों ने अभी तक नहीं पता था अगले क्वेश्चन किससे संबंधित है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो यहां पर क्या होना चाहिए सही जवाब ठीक <coughs> है तो यहां पर जो सही जवाब है हमारी जो इम्प्रिंट स्कीम है इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट का फुल फॉर्म है और ये हमारे शुरू की गई है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जिसको हम लोग एचआरडी मिनिस्ट्री बोलते हैं है ना ये धर्मेंद्र प्रधान जी इस मिनिस्ट्री को देखते हैं इस मिनिस्ट्री के तहत इस हमारे जो इम्प्रिंट स्कीम है इसके तहत साठ हमारे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं जो कि हमारे इंडिया के एग्जीब्यूशन के तौर पर किए जाएंगे है ना जहां पर हमारे जो लोगों की क्वालिटीज है क्या क्या वो बना सकते हैं क्या क्या लोगों को दिखा सकते हैं वो लोगों तक हमारी जनता तक पहुंचाए जाएंगे जिससे कि वो उस प्रोडक्ट की डिमांड करें है ना तो ये हमारे इंपैक्टिंग द रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो बाहर नहीं आ पाती है तो उसके लिए एक्सिबिशन लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर जिससे कि वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे और लोग उसकी डिमांड करें चलिए आगे चलते हैं जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल -एक देना चाहता हूं कि अभी 2000 की नोट जो है वो अब सितंबर से चलन में नहीं रहेगी है ना लोग अपना पैसा जमा करने लग गए तो अब क्या हुआ कि कल जोमेटो ने अपने ट्वीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बताई कि कल जो जोमेटो के 72 परसेंट ऑर्डर हुए मतलब बहत्तर परसेंट जो ऑर्डर हुए उसमें कैश ऑन डिलीवरी हुई और उसमें भी सारी की सारी डिलीवरी डिलीवरी जो है वो दो हजार की नोट से हुई तो लोगों ने क्या किया जैसे ही किसी चीज को आगे किया कि भाई दो हजार नोट अब हमारी जो है सितंबर से नहीं चलेगी है ना तो लोगों ने क्या किया उस नोट को बाहर निकालना शुरू कर दिया जोमैटो का यह ट्वीट है 72 जो कल उनकी टोटल डिलीवरी हुई उसमें 2000 की नोट ही लोगों ने दिया है लोग बैंक में भी जाना पसंद नहीं कर रहे कह रहे निकालो इसको किसी तरीके से खैर मेरे पास यार 2000 की एक भी नोट नहीं है आप लोगों के पास अगर है तो उसको जाकर के धीरे धीरे से क्योंकि तीस सितंबर तक का टाइम है बहुत टाइम है अब ये नहीं कि पैनिक हो जाकर के आपको कर रहे हैं अभी सभी लोग इसको लेंगे भी देखिए लोग जोमेटो में दे रहे हैं कई लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं अलग अलग काम कर रहे हैं तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो खैर मेरे पास तो एक भी नोट नहीं है आप में से अगर किसी के पास हो खास तौर पर मम्मी मम्मी को जरा बता देना है ना वो लोग न्यूज व्यूज उतना देखती नहीं है कि वे दो हजार की नोट रखी होगी गुल्ला उल्लक में तो पता चला दस पंद्रह नोट रखी होंगी तो दस पंद्रह नोट ही अपने आप में बहुत बड़ी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है समझ रहे हो कि नहीं बीस तीस हजार हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं तो आगे और बातें करते हैं भैया 2000 की नोट अब चलन में नहीं रहेंगी 30 सितंबर के बाद से तो खेलो इंडिया गेम्स का जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पे किया जा रहा है महाराष्ट्र कर्नाटक यूपी या तमिलनाडु तो बहुत अच्छी तरीके से फिर से लोगों ने पिक करना शुरू कर दिया है कि सर इसका जो सही जवाब है वो है यूपी उत्तर प्रदेश में हमारे दस दिन तक ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत होगी अब एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना ये सबसे पहले कहां पर हमारा कौन सा इवेंट से शुरुआत हो रहा है तो कबड्डी जो है वो सबसे पहले शुरुआत हो रही है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत होगी है ना अगर हम यहां पर देखेंगे तो पंद्रह टीमें अलग अलग हमारे जो यूनिवर्सिटी से इसमें पार्टिसिपेट कर रही है शहीद विजय सिंह हमारे पथिक स्टेडियम में ये शुरुआत किया जा रहा है अब हम बात करते हैं कि हमारा ऑफिसियली मतलब ये एक दिन पहले ही शुरुआत हो गई कबड्डी की लेकिन ऑफिसियली जो एनोग्रेशन है वो कब होगा वो 25 मई को लखनऊ के बीबीडी स्टेडियम में होगा इसमें मोदी जी जो है वो वर्चुअली जुड़ेंगे है ना मोदी जी बिजी थे इसकी वजह से एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है नहीं तो 24 को गेम होना शुरू हो गए कबड्डी की शुरुआत हो चुकी है 24 से लेकिन हमारे जो मोदी जी है वो 25 को फ्री हैं इसीलिए जो हमारा उद्घाटन समारोह है वो 25 मई को रखा गया है कहां पर लखनऊ के बीबीडी स्टेडियम में लखनऊ में जो है वो मोदी जी आएंगे नहीं वर्चुअली जुड़ेंगे लेकिन अनुराग ठाकुर जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हमारे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ये इसमें उपस्थित रहेंगे ये हमारे जो गेम है वो तीन जून तक चलेंगे और इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो बनारस में होगा है ना क्लोजिंग सेरेमनी कहां पर होगा बनारस में होगा इस बार हमारे जो है वो काफी महत्वपूर्ण है आप देख पाएंगे ये गेम हमारे 240 प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण तरीके से नहीं 240 प्लेयर नहीं दो सौ जो है वो रेसलिंग इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो काफी महत्वपूर्ण ये हमारा है कहां कहां पर ये हो रहा है लखनऊ बनारस ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर याद रखिएगा ये हमारे चार शहरों में किया जा रहा है लखनऊ बनारस ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर है ना आपसे पूछेगा किस शहर में नहीं हुआ है तो आप इनको छोड़ करके जो भी है ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इनमें से कौन सी रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिए कैल्शियम 41 का पता लगा सकती है तो एक हमारे यहाँ पर जैसे कार्बन डेटिंग 40 होता था उससे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक एलिमेंट का एज पता करते थे सिमिलरली हमारे एक और डेटिंग का टेक्नोलॉजी पता लगा है जिसका नाम है कैल्सियम फोर्टी वन ये किसके ऊपर आधारित है जरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है यहाँ पे अल्ट्रा फास्ट मल्टी एलिमेंटल एनालिसिस है एटम ट्रैप ट्रेस विश्लेषण है हमारे यहाँ पे एटोमिक एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रोग्राफी uh, है या आइसोटोप एनालिसिस है ये किस पर आधारित है कैल्सियम फोर्टी वन अगर हम लोग यहाँ पे कैल्सियम फोर्टी वन की बात करते हैं तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एनोवेशन है जिसमें हमारे एटम को ट्रेस करके उसकी एज पता लगाई जाती है एटम ट्रेस हमारा जो एनालिसिस है कैल्शियम फोर्टी वन ये किसी भी हमारे ऑर्गेनिक मेटल की एज लगाने की एक नई टेक्निक है जो यहां पर आप बी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं तो एटम ट्रैप हमारा ट्रेस एनालिसिस ए ए टी टी कैल्शियम फोर्टी वन ये हमारा करेगा ठीक है तो इस तरीके से ये थे हमारे आज के सारे के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिफेंस के बहुत सारे हैं इक्विपमेंट बहुत सारे आज हमने यहां पर देखे लॉन्च किए गए स्पोर्ट्स की भी खबरें हैं है ना तो उन सबको आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है सर ये हमारा पूरा का पूरा पीडीएफ कहां पर मिलेगा तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जिसको अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए ज्वाइन करो फास्ट एंड फास्ट ज्वाइन करो फास्ट एंड फास्ट फास्ट ज्वाइन करना है है ना ये आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे मेरा नाम पंकज चौबे है तो पंकज चौबे जीए गैंग और आप यहाँ पे फटाफट जुड़ जाएंगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है होमवर्क होमवर्क में आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर चाइना में है बहुत आसान क्वेश्चन है है ना बहुत आसान क्वेश्चन है जैसे ही आपका यह वीडियो खत्म होगा चैट बॉक्स में नहीं कमेंट बॉक्स उसके बगल में आता है आपको वो कमेंट में बताना है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर चाइना में है आसान है सभी को आता होगा और अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का 11 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास की रिवीजन करने के लिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बाय बाय एंड टेक केयर